हेलो एवरी वन वेलकम टू माई चैनल ईज लर्निंग दिस इज मोनिका एंड टूडे आई विल डिस्कस अबाउट लर्निंग डिसेबिलिटीज़ आज हम डिस्कस करेंगे लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के बारे में देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका पेपर वन के लिए भी और पेपर एजुकेशन के लिए भी हम डिस्कस कर रहे हैं एन टी यू जी सी नेट पेपर एजुकेशन को तो पेपर वन के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपको टेट एग्जाम में नेट के एग्जाम में क्वेश्चन दिख जाता है लर्निंग डिबिलिटीज से कंसर्न देखिए नाम क्या है लर्निंग डिसेबिलिटीज दैट मीन्स लर्निंग कुछ सीखने में आपको डिसेबिलिटी हो रही है डिफरेंट टाइप्स की हैं वो डिसकस करेंगे इन्हें आप हिडन डिसेबिलिटीज़ भी कहते हैं हिडन डिसेबिलिटीज़ क्यों कहते हैं क्योंकि ये डिसेबिलिटीज़ यूजुअली दिखती नहीं है ठीक है आपका एवरेज या अबव एवरेज भी होता है कई बार बच्चों का आई क्यू और नॉर्मल्स दिखते हैं बिल्कुल और पता नहीं लगता कि उन्हें डिसेबिलिटीज़ हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप की डिसेबिलिटीज़ हैं इंपॉर्टेंट कुछ छः डिसेबिलिटीज़ मैं डिस्कस करूँगी ठीक है लर्निंग डिसेबिलिटीज़ दैट मीनस सीखने में दिक्कत ये आपके न्यूरो न्यूरोबायोलॉजिकल फैक्टर्स भी इफेक्ट करते हैं कॉग्निटिव एबिलिटी आपकी मेंटल एबिलिटी पे इफेक्ट आता है और बहुत ही कॉमन हो गया है क्योंकि अब लोगों को अवेयरनेस हो गई है लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के बारे में तो टीचर्स को हम गाइड कर पाते हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों है क्योंकि टीचर्स को पता होना चाहिए फ्यूचर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे और जो टेट एग्ज़ाम है उसमें बहुत क्वेश्चन मिलता है आपको लर्निंग डिसेबिलिटीज़ का दैट मीनस फ्यूचर में आपको पता होना चाहिए जब आप एग्ज़ाम देते हैं कि आप जब टीचर बने तो आपको इन डिजीज़ इन डिसेबिलिटीज़ के बारे में पता होगा तभी आप उन्हें क्योर कर पाएंगे तो एक बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए इन डिसेबिलिटीज़ के बारे में ठीक है लर्निंग डिसेबिलिटी जो आपकी जनरल फैक्टर्स या न्यूरोबायोलॉजिकल फैक्टर्स बहुत सारी चीज़ें इफेक्ट डालती हैं आपकी रीडिंग राइटिंग बेसिक स्किल्स कई बार नहीं आपको पता लगती डिफरेंट टाइप की डिसेबिलिटीज़ हैं और कई बार हमें हाई ऑर्डर स्किल्स प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन प्रिपरेशन या बॉडी लैंग्वेज समझना हमें वो चीज़ें समझ नहीं आती ठीक है तो लर्निंग डिसेबिलिटीज दैट मीन्स कुछ सीखने में दिक्कत डिसेबिलिटीज़ है, हैं उन इंपॉर्टेंट डिसेबिलिटीज को डिस्कस करती हैं क्लियर फर्स्ट वी है डिसैक्सिया नाम क्या है डिसैक्सिया डिस दैट मीन्स लेक्सिया ये आपको याद रखना है डिफिकल्टी इन रीड लर्निंग टू रीड और इंटरप्ट वर्ड्स लेटर्स एंड अदर सिम्बल्स बट दैट डू नॉट इफेक्ट जर्नल इंटेलिजेंस आपको इम्पॉर्टेंट रखना है मैंने की वर्ड्स मैंशन किए हैं जो आपके क्वेश्चन का पार्ट बन चुके हैं कि जर्नल इंटेलिजेंस पे इफेक्ट नहीं आ रहा ठीक है लेकिन बच्चे को रीडिंग में प्रॉब्लम आ रही है अगर की वर्ड आपको बताएं तो रीडिंग ठीक है रीडिंग की बात हो रही है डिफ़िकल्टी इन लर्निंग टू रीड और इंटरेप्ट वर्ड्स ठीक है आप गलत देख लेते हैं गलत रीड करते हैं आपने सौ को वॉज रीड कर दिया डॉक को गॉड रीड कर दिया कुछ भी आपको सिमिलर जो वर्ड्स दिखते हैं उसमें आप लर्निंग डिसेबिलिटी कहेंगे लर्निंग टू रीड और इंटरेक्ट वर्ड्स ठीक है तो आपने की वर्ड से याद रखना है डिसलेक्सिया डिसलेक्सिया रीडिंग क्लियर नेक्स्ट वी हैव डिस्ग्राफिया इससे रिलेटेड क्वेश्चन में आपसे डिस्कस करूंगी पहले हम थ्योरी क्लास दे देते हैं आपको समझ आ जाए ठीक है उसके बाद हम क्वेश्चन uh, भी डिस्कस करेंगे डिस्ग्राफिया डिस्ग्राफिया देखो डिसफंक्शनिंग की बात हो रही है अगेन ग्राफिया ग्राफिया मीन्स रिटर्न ग्राफ कैसे बनाते हैं आप रिटर्न ही करेंगे ना कोई आप ग्राफ बनाएंगे यूज योर पेन एंड पेंसिल तो देट मीन रिटिंग राइटन रिटर्न प्रॉब्लम जो होती है आपकी डिस्ग्राफिया कैन अपियर एज डिफिकल्टी विथ स्पेलिंग हुआ हैंड रिंग हैंड राइटिंग आपको ये कीवर्ड दिख जाएगा इसमें एंड ट्रबल पुटिंग दी थ्रू आउट योर पेपर मतलब आप अपने Uh, हाथ का यूज़ करके पेन पे पेन या पेंसिल से नहीं लिख पाते राइटिंग में ग्राफ या ग्राफ बनाते हैं आप रिटर्न फॉर्म में तो उससे आप याद करेंगे हैंड राइटिंग में इट हैपन्स यूजली ड्यू टू मेंटल डिसऑर्डर आपको मेंटल डिसऑर्डर है आपका माइंड आपको सिग्नल देता है हाउ टू स्पीक हाउ टू राइट तो वो चीज़ों में दिक्कत आती है तब जाके आपको प्रॉब्लम आती है डिस्ग्राफ़िया की डिस्ग्राफ़िया वो इतनी ख़राब लिखावट देखिए लिखावट लिख दिया है यहाँ पर और पेपर पर विचार करने में परेशानी सात कठिनाइयों के रूप में प्रकट की जाती है ठीक है डिसग्राफिया अभी हमने डिस्कस किया डिसलेक्सिया, कंसर्न विद रीडिंग ठीक है रीडिंग आपका हो गया या आपने जो वर्ड्स हैं उन्हें गलत इंटरप्ट कर दिया अदर सिंबल्स बट दे डू नॉट इफ़ेक्ट जनरल इंटेलिजेंस दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट आपकी जनरल इंटेलिजेंस पे इफ़ेक्ट नहीं आता कई बार जो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हैं उसमें बच्चों का आई लेवल अच्छा होता है अबव एवरेज भी होता है एवरेज भी होता है तो जनरल इंटेलिजेंस पर इफ़ेक्ट आएगा ऐसा हम नहीं कह सकते हाँ लेकिन ये पता लग जाती हैं ड्यूरिंग योर स्कूल जब आपको दिक्कत होती है और बच्चे रेगुलर मिस्टेक करते हैं लिख नहीं पाते समझ नहीं पाते ठीक है रीडिंग दैट मीन्स डिसलेक्सिया ग्राफिया मीन्स राइटिंग फाइन और ये लाइफ लॉन्ग डिजीजेस होती हैं इन्हें लेकिन अब काउंसलिंग के थ्रू प्रॉपर केयर से इनको क्योर किया जा रहा है क्योंकि तो अवेयरनेस ज़्यादा होती है ठीक है लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने कोई मेडिसिन दी और ये ठीक हो जाएंगे इसके लिए रेगुलर काउंसलिंग और रेगुलर सेशंस चलती हैं और रेगुलर uh, लेवल पे काम होगा तो ये ठीक हो सकती हैं ठीक है डिस्ग्राफिया रिलेटेड टू रिटर्न और हैंड राइटिंग नेक्स्ट वी है डिस्कैलकुलर डिसफंक्शनिंग अगेन कैलकुलेशन रिलेटेड टू मैथ सिवियर डिफिकल्टी इन मेकिंग अर्थमैटिकल कैलकुलेशन एज ए रिजल्ट ऑफ ब्रेन डिसऑर्डर है सब आपकी कॉग्नेटिव एबिलिटी पे डिपेंड करती हैं कि आपको रीडिंग राइटिंग में दिक्कत आ रही है कैलकुलेशन में दिक्कत आ रही है दैट मीन्स आपका ब्रेन डिसऑर्डर है ठीक है आप कैलकुलेट नहीं कर पा रहे बेसिक कैलकुलेशन भी नहीं कर पा रहे आर्थमेटिकल कैलकुलेशन तो यहाँ से ना पेरेंट्स भी समझ पाते हैं कि क्या दिक्कत आ रही है ठीक है तो डिस कैलकुलिया डिस कैलकुलिया इज़ कंसर्न विद योर कैलकुलेशन और मैथमेटिकल रीजनिंग आर्थमेटिकल कैलकुलेशन वहाँ दिक्कत आएगी देन यू डिसिया डिस प्राक्सिया मीनिंग जो है इसका इट इज अ डिवलपमेंट डिसऑर्डर इट इज डिसबिलिटी टू यूज मोटर स्किल्स प्राक्सिया ऑलवेज कंसर्न विद मोटर स्किल्स एंड कोऑर्डिनेटिंग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी मोटर स्किल्स की बात कर रही हैं मोटर स्किल आपके हाथ पैरों का हिलना आपके बॉडी पार्ट्स का हिलना तो आप कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते कि कब आपको हाथ हिलाना है कब पैर हिलाना है तो डिस प्राक्सिया प्राक्सिया आपने याद रखना है रिलेटिंग टू योर मोटर स्किल्स एंड नेक्स्ट वी हैव डिसिया अफेजिया भी कहते हैं इसे डिस एंड डिसफेजिया एंड अफेजिया लैंग्वेज डिसऑर्डर मार्क बाय डेफिशंसी इन द जनरेशन ऑफ स्पीच एंड समाइम्स ऑल्सो इन द कॉम्प्रिहेंशन ड्यू टू ब्रेन डिसीज़ और डैमेज आपके ब्रेन का कोई हिस्सा है जो इस पार्ट को आपकी जो लैंग्वेज है आप नहीं समझ पा रहे या जनरेशन ऑफ स्पीच आपको स्पीच जो है बहुत स्लो है कब पिच आपकी तेज़ होनी चाहिए कब धीरे होनी चाहिए तो उस चीज़ में दिक्कत आ रही है होगी ये भी कॉग्रेटिव एबिलिटी आपकी ब्रेन डिजीज़ है और डैमेज हो चुका है वो पार्ट आपका तो लैंग्वेज डिसऑर्डर मार्क बाय डेफिशिएंसी इन द जनरेशन ऑफ़ स्पीच हाँ कुछ बच्चे फिर भी स्पीच uh, पे रेगुलर प्रैक्टिस करके क्योर कर जाते हैं बह सीरियस डिजीज़ है जिसमें आपकी ब्रेन डिजीज़ और डैमेज की वजह से ही आती हैं लैंग्वेज डिसऑर्डर मार्क बाय डेफिशिएंसी इन द जनरेशन ऑफ़ स्पीच अब टीचर को क्यों एजुकेट किया जा रहा है इन लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के लिए क्योंकि जब वो क्लास में है तो वो एक ईजी टास्क नहीं है क्लास में बहुत सारी चीज़ें होती हैं आपको कंटेंट नॉलेज देने के साथ साथ पैरालॉजिकल स्किल्स के साथ साथ कि वट टू टीच एंड हाउ टू टीच कि आपको उस बच्चे का ध्यान भी रखना है कि उसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है कोई डिजीज़ तो नहीं है कोई डिसेबिलिटी तो नहीं है तो पहले इनके बारे में नॉलेज नहीं थी अब इन्हें आपके सिलेबस का पार्ट बनाया ही इसलिए गया है कि आपको नॉलेज हो और आप क्योर कर पाए ठीक है देन वी हैव डिस्थेमिया पीपल विद डिस्थेमिया डिस्क्राइब दियर मूड एज सैड ठीक है ये यूजअली सैड ही रहते हैं ऐसे लोग डिस्थेमिया सैड और डिप्रेशन में हो जाते हैं आगे जाके ठीक तो है कुछ बच्चे ना बिल्कुल इन्वॉलमेंट नहीं रखते सोशली और बहुत जल्दी सैड हो जाते हैं बहुत जल्दी उनका मूड ऑफ हो जाता है डिस्थेमिया इज़ अ क्रॉनिक फॉर्म ऑफ डिप्रेशन जो आगे जाके आप नहीं अगर पहचान पाए स्टार्टिंग एज में तो फिर फ्यूचर uh, में जाके वो डिप्रेशन का रूप लेगा एंड कॉज पीपल टू लूज़ इंटरेस्ट इन इंटरेस्ट इन नॉर्मल डेली एक्टिविटी आप नोटिस करेंगे कि डेली एक्टिविटी नहीं कर बच्चे हैव लो सेल्फ़ स्टीम बिल्कुल जो अपने आप को कुछ समझते नहीं हैं सेल्फ स्टीम काफ़ी कम है एंड एंड ओवरऑल फीलिंग ऑफ इन एडवोकेसी फीलिंग ऑफ होपलेसनेस कि उन्हें लगता है कोई होप ही नहीं है और जल्दी सैड हो जाती हैं एंड डिफिकल्टी विथ प्रोडक्टिविटी कुछ भी प्रोडक्टिविटी काम करने में उनका मन नहीं करता ठीक है इंगेज नहीं करते ख़ुद को सैड रहते हैं दैट इज़ डिस्थेमिया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिस्थेमिया कंसर्न विथ योर डिप्रेशन योर सैडनेस आपका मूड स्विंग होगा बहुत जल्दी और यूजुअली वो सैड ही रहेंगे ठीक है ओके अब एक बार रिवाइज करते हैं नेक्स्ट पार्ट भी मैं लेकर आऊँगी जिसमें हम कुछ और डिजीज डिस्कस करेंगे तो जो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हैं इनको आप हिडन डिसबिलिटीज़ भी कहते हैं हिडन कई बार पहचान नहीं पाते ठीक है आपकी हिडन डिसबिलिटीज़ हैं और जेनरिक डिसऑर्डर न्यूरो बायोलॉजिकल डिसऑर्डर इसकी वजह से भी होती हैं ये डिसलेक्सिया, डिस डिस्फंक्शनिंग डिस यहाँ पे क्यों लगा हुआ है डिसफंक्शनिंग के लिए लेक्सिया रिलेटेड टू योर रीडिंग डिसऑर्डर ठीक है ओके नेक्स्ट वी हैव डिस्ग्राफिया योर हैंड राइटिंग योर रिटर्न फॉर्म आपको लिखने में दिक्कत हो राइटिंग डिसऑर्डर की याद रखेंगे आप डिस कैलकुलिया कैलकुलिया मीन्स योर कैलकुलेशन कैलकुलेशन आप कैसे करेंगे विद योर मैथ्स तो मैथेमेटिकल या मेकिंग अर्थमेटिकल कैलकुलेशन ब्रेन डिसऑर्डर है ब्रेन ऑब्वियसली ब्रेन सिग्नल देता है हमारे माइंड को मैथेमेटिकल कैलकुलेशन डिसऑर्डर तो की वर्ड्स होंगे तो आपको याद रहेगा डिस प्रॉक्सिया प्रॉक्सिया विद योर मोटर स्किल्स ठीक है मोटर स्किल्स एंड कॉर्डिनेटिंग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योर बॉडी आपके बॉडी पार्ट्स को कंट्रोल करता है हमारा डिस्प्लाक्सिया डिजीज तब होती है जब वो कंट्रोल नहीं हो पाता डिस्फेजिया और अफेज़िया ठीक है इसमें आप फेजिया फ, आ, पी एच से आप याद रखेंगे तो लैंग्वेज अफेजिया भी कहते हैं लैंग्वेज स्पीच उसकी दिक्कत आ रही है आपको दैन डिस्थीमिया योर सैडनेस योर क्रॉनिक डिप्रेशन ले लेगा जो फ्यूचर में आप बहुत जल्दी सैड होंगे मूड स्विंग्स होते हैं और बच्चे यूजली सैड होते हैं आप फिर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करते कुछ भी नॉर्मल डेली एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करते एक कॉर्नर में जाके बैठ जाती हैं बार बार और इसे क्योर करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि स्टार्टिंग में पता लग जाती है ये अगर पेरेंट्स ध्यान दें स्कूल ध्यान दें तो डिस थी में क्योंकि फ्यूचर में ये बन जाएगा आपका डिप्रेशन की फॉर्म ले लेगा ठीक है तो हमने क्या क्या डिस्कस किया लर्निंग डिसेबिलिटीज डिस्कस की डिसैक्सिया विद योर रीडिंग डिसग्राफिया राइटिंग डिस कैलकुलिया योर कैलकुलेशन मैथमेटिकल रीजनिंग प्राक्सिया इज योर मोटर स्किल्स या एप पी एच से आपने याद रखना है योर लर्निंग डिस्बिलिटी रिलेटेड टू योर लैंग्वेज डिसऑर्डर स्पीच ठीक है डिस्थेमिया योर सैडनेस आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी और अगर आपको वीडियो लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड कमेंट थैंक यू